सुमन जी, आप पासबान आदाब पोएट्री फेस्टिवल में शिरकत की, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारे नौजवानों को? आज इस इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल में आकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर देख रहे हैं हम कि नौजवान लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर आए हैं जो कि पोएट्री नामक चीज से बहुत दूर भागते थे, लेकिन यहाँ पर जो ओपन माइक रखा है इसकी वजह से नई जनरेशन पोएट्री से जुड़ रही है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। खास तौर पर कैसर खालिद जिसे उन्होंने हमें इनवाइट किया, इसलिए हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, उसके लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। आपको यहाँ आके मतलब किस तरह से आपको देखा गया, ये पूरा सराउंडिंग वातावरण जो है उसमें? यहाँ बहुत ही अच्छा लगा कि पोएट्री का एक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है, और मैंने जैसा कि अंदर भी सुना कि हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर भी बच्चों ने पोएट्री की, महाभारत के ऊपर भी पोएट्री यहाँ पर सुनाई गई, व्यास मुनि के ऊपर भी यहाँ पर पोएट्री सुनाई गई, और अलग अलग कल्चर के बारे में यहाँ पर जानने के लिए मिला, इसके लिए बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा। आप कितने साल से आ रहे हो फंक्शन में? ये 11वां एडिशन है यहाँ पर, लेकिन हम 1-2 साल से आ रहे हैं। उर्दू एक बहुत ही बेहतरीन भाषा है, मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद है उर्दू। मेरा मन करता है कि मैं उर्दू सीखूं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पर उर्दू में इन लोगों ने कविताएं की, वो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मीठी और खूबसूरत भाषा है। मैडम, अपना नाम और आपका पोस्ट बताइए जरा। मैं सुमन अग्रवाल, मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय सचिव हूँ, और मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव हूँ, और मेरा एक NGO सुप्रयास फाउंडेशन नाम से चलाया जाता है, जिसमें हम खास तौर पर महिलाओं का और बच्चों का हेल्थ और एजुकेशन से कनेक्टेड काम करते हैं।